हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, देख चुके हैं, आज देखेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होता है, ये बारे बात करेंगे, जिसमें इंटरमीडिएट क्या बनो कार्बोकेटायन बनता है उसका ही बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, किसमें किसमें इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकेटायन बनता है, तो डाइएजोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी एमीन में बनता है और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसका बात आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले कौन सा है, पिनाकोल रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। मतलब कार्बोकेटायन रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन का कहने का मतलब यह हुआ कि जिसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के रूप में मिले। ठीक है, चलो पहला रिएक्शन शुरू करते हैं। रीअरेंजमेंट पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। ठीक, इसके बाद पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन क्या है, इसमें तुमको दो अल्कोहल दिया रहेगा, यानी कि डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल रहेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा, कैसा सब्स्ट्रेट रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा, OH और यहाँ पर तुमको H प्लस दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा, एसिड का सोर्स दे देगा, यहाँ पर एसिड का सोर्स दे देगा। तो बोलेगा इसका रिएक्शन क्या होता है, देखो बच्चों क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको किसकी तलाश है, नेगेटिव चार्ज की तलाश है। तो नेगेटिव चार्ज किसके किस किस रूप में रहता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, एक तो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट रहता है, एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे भी रहता है, डबल बॉन्ड के रूप में रहता है, आगे बात करेंगे उस सबका। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर और निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज क्या रहता है, एक्सेस रहता है। देखो ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर होता है ना, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, लोन पेयर एक निगेटिव चार्ज की तरह ही बिहेव करता है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अनस्ट्रेट कर देगा, क्या कर लेगा, अनस्ट्रेट कर लेगा ना, तो क्या बन जाएगा, देखो ये ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर वो एक एच तो पहले से था, दूसरा एच यहाँ से आया और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना था, दो बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर क्रिएट हो जाएगा। अब देख यहाँ पर क्या ओ एच, अब तो तुम सब जानते हो लिविंग ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप की तरह काम कर जाएगा, क्या लिविंग ग्रुप की तरह, तो इसको लिव कर जाएगा, क्या कर जाएगा, लिव कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो मेरा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और यहाँ पर OH बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OH बन जाएगा, क्या यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन अस्टेबल कार्बोकेटायन है, तो आंसर आएगा नहीं, ये स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है, ये क्या है, अस्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है। तो हमको क्या ढूंढना है, अस्टेबल कार्बोकेटायन ढूंढना है। तो अस्टेबल कार्बोकेटायन कैसे मिलेगा, हम लोग जीओसी में पढ़े थे ना, मेजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होता। तो देखो अगर यहां से ये रीअरेंजमेंट कर ले, क्या कर ले, रीअरेंजमेंट कर ले, यहाँ पर क्या एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को क्या कर ले, रीअरेंजमेंट कर ले, तो क्या बन जाएगा मेरा, कुछ इस तरह से, ये यहां से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां क्रिएट होगा और ऊपर में क्या है OH। अब देखो फिर से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, फिर से किसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए उसको,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, फिर से ये ऐसे हो जाएगा, क्या बन जाएगा? और जो H प्लस ये और माइनस, क्या बन जाएगा? देखो ये OH, ठीक है, ये ऐसे अपना डोनेट कर देगा और H प्लस निकल जाएगा, AH डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा? माइनस H प्लस, H प्लस दिए थे और H प्लस निकल गया, मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया? मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया? देखो अल्कोहल से चले थे, क्या बन गया? पीना क्लोन, यानी कि अल्कोहल से चले थे, क्या बन गया? कीटोन बन गया। तो इसको बोलते हैं पिनाकोल रीअरेंजमेंट या रिएक्शन, कुछ भी बोल दो। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसको मिटा, ये तो लिख लिया होगा ना, अब इसे यहां पर तुमको H2SO4 दे दिया जाए, ठीक है। तो बोलेगा इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन लिखो, तो कुछ नहीं करना, उस अल्कोहल पर H प्लस को अटैक कराना जहां पर बनने वाला कार्बोकेटायन क्या है, मोस्ट स्टेबल। तो लिख लो ये कहां पर, ये क्या H प्लस और SO4, HSO4 माइनस में टूटेगा ना, तो ये H प्लस कहां अटैक करेगा? अब तो यहां पर भी अल्कोहल, यहां पर भी है, वहां पर तो दोनों सेम था, तो वहां पर करा दूंगा, यहां पर क्या था, यहां पर दोनों पोजीशन मेरा क्या है, सेम है ना, ये दोनों पोजीशन सेम है, इसीलिए हम इसी पर भी करा था तो सेम ही प्रोडक्ट आता, लेकिन यहां पर क्या हो गया, दोनों का पोजीशन डिफरेंट है, यहां पर एक CH3 तो यहां पर एक हाइड्रोजन, वही चॉइस तो सेम है, इधर इधर भी डिफरेंस है, ठीक है। अब देखना है क्या करें, कौन सा माइग्रेट, कौन सा, कहां पर ये H प्लस अटैक करेगा, तो H प्लस क्या बोले, H प्लस वहां पर अटैक करेगा जहां पर बनने वाला कार्बोकेटायन मेरा फर्स्ट बार में मोर स्टेबल। तो देखो कहां पर अटैक करेगा, ये अगर यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा तो मोस्ट स्टेबल इसकी, ठीक है, क्या ये H प्लस क्या कर लेगा, यहां पर अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, ये OH, ये H और ये तुम्हारा बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अब देखो क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल है, इसको क्या और स्टेबिलिटी कर सकते हैं, स्टेबिलिटी इसका बढ़ा सकते हैं, तो आंसर आ गया, कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं इसका स्टेबिलिटी, GOC में का बात याद करो, GOC में बोले थे कि जो कार्बोकेटायन लोन पेयर के साथ अगर कंजुगेशन में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मेजो मेरिक इफेक्ट बोलते हैं, और मेजो मेरिक इफेक्ट से जो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होता है वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो देखो अगर ये यहां से एच इसको शिफ्ट कर दे, रीअरेंजमेंट कर दे, तो यहां से क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये तो जस का तस रहेगा, और ये तुम्हारा एक CH3 तो पहले था, एक H आ जाएगा, ये H और पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा इस कार्बन पर बन जाएगा, ये तुम्हारा
नाइट्रोबेंजीन लगा हुआ रहेगा और इस पर एक OH है, क्या है? एक OH है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, क्या करेगा ये? तो सोचेगा किसी तरह से हम स्टेबलाइज हो जाए, तो अब क्या करेगा ये? ऐसे करेगा और H प्लस निकल जाएगा, क्या बन जाएगा तुम्हारा? देखो कीटोन बन गया, और प्लस देखो यहां से क्या निकल रहा है, H प्लस निकल जाएगा ना, और H प्लस और HSO4 माइनस सोल्यूशन में पड़ा ही है, क्या बन जाएगा? H2SO4 बना लेगा। देखो H2SO4 ऐड किए थे और H2SO4 बाहर हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? जितना वो सिर्फ रिएक्शन को प्रोसीड करता, उसका रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, नोट करो। अब तो क्या बात कर रहे, चलो ठीक है ना, मिटा इसको। और एग्जांपल देखो क्या है एग्जांपल, जैसे तुम्हारा एक पीएच, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर OH, यहाँ पर पीएच, यहाँ पर कार्बन OH पीएच NO2 और क्या है CH3 पीएच, ठीक है, ऐसा रहा पीएच OH, ठीक है, और एसिड दे देते एच प्लस, ठीक है। अब बताओ रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो, प्रोडक्ट बोलेंगे इसका क्या प्रोडक्ट होगा, ठीक है, चलो। चलो इसका प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बोलो क्या आया, देखो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्या बोले थे, एच प्लस को वहां अटैक कराना, एच प्लस को वहां अटैक कराना जहां से बनने वाला मेरा कार्बोकेटायन क्या पहली बार में स्टेबल हो। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है कहां पर कराना, सीधा डायरेक्ट दोनों पर करा दो, चेक कर लो कहां पर कार्बोकेटायन मेरा स्टेबल बन रहा है, ठीक है, चलो देख लो पीएच दोनों पर करा रहा है। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा दोनों पर करा के देख लेना, जहां से कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा वहीं से हो जाएगा रिएक्शन प्रोसीड। तो देखो यहां से कार्बोकेटायन अगर यहां से हटाएंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, और यहां पर क्या बन रहा है, रेजोनेंस प्लस 3α H मिल रहा, रेजोनेंस प्लस 3α H, अगर इस कार्बोकेटायन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना तो यहां पर क्या मिल रहा, रेजोनेंस प्लस 3α हाइड्रोजन। अब देखो दूसरा प्रकार आके देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर OH रहने दो, इसको पॉजिटिव चार्ज बनाओ तो क्या बनाना बन रहा है, देखो यहाँ पर भी एक रेजोनेंस बन रहा है और यहाँ पर भी, यहाँ पर टू रेजोनेंस, क्या हो रहा है, दो रेजोनेंस का हमको क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है, यहाँ पर एक ही रेजोनेंस और 3α H मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर कार्बोकेटायन मेरा बनेगा, जहां पर कार्बोकेटायन बनेगा वहां पर कार्बोकेटायन क्या होता अस्टेबल होता, तो इसका मतलब ये कार्बोकेटायन कहां पर बनेगा, इस कार्बन पर बनेगा। तो देख ये OH ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको इधर लेगा, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, पीएच सी OH CH3 और ये सी OH 2 प्लस, ठीक है,
OH टू प्लस बन जाएगा और यहाँ से पीएच और ये हमारा पीएच ओ एम ई, ठीक है, ओ एम ई है, ठीक है। अब देखो क्या बोले थे कि OH एक लिविंग ग्रुप है, ये क्या देखा बाहर हो जाता है, क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा लिविंग ग्रुप। बस सुन लो क्या होता है लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप बाहर तभी निकलेगा जब वो अस्टेबल के फॉर्म में निकले या न्यूट्रल के रूप में निकले या चार्ज के रूप में निकले। अगर वो लिविंग ग्रुप अस्टेबल नहीं होगा तो वो कंपाउंड से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि मॉलिक्यूल से टूट के नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक H2O निकल रहा, तो H2O क्या है, एक अस्टेबल मॉलिक्यूल, ये क्या है अस्टेबल, ये क्या लिविंग ग्रुप जो निकला ये क्या अस्टेबल है, इसी कारण से तो ये लिविंग ग्रुप क्या हुआ मॉलिक्यूल से टूट के बाहर निकल गया। अब मेरा क्या बन जाएगा पीएच सी ओ एच सी एच थ्री सी पॉजिटिव चार्ज पीएच ओ एम ई, यहां पर एक पीएच। अब बोलो ये कार्बोकेटायन अस्टेबल है क्या, इसको और अस्टेबल कर सकते हैं, तो आंसर है कर सकते हैं। कैसे, तो देखो कैसे, यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कर दो, रीअरेंजमेंट ऑफ, कोई बच्चा समझ लेगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो केटायन, क्या रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो केटायन कर दो। देखो अब यहाँ पर एक और समस्या उत्पन्न हो जाएगा, सर अब करें तो करें किसको रीअरेंजमेंट, CH3 को करें या पीएच को करें, तो यहां से एक कौन से बड़ा आता है माइग्रेटरी एपिच्यूड, ऐसे क्या आता है एक कॉन्सेप्ट आता है माइग्रेटरी एपिच्यूड, कुछ नहीं करना, अभी तो बता रहे यहां से पीएच माइग्रेट करेगा, क्या करेगा पीएच माइग्रेट करेगा, देखो कैसा बन जाएगा, तो सी एच थ्री यहां पर ओ एच सी सी एच थ्री यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और ये सी पीएच पीएच ओ एम ई ये पीएच। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये सोचेगा हम अस्टेबलाइज हो, तो अस्टेबलाइज होने के लिए ये क्या करेगा, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी डबल बोन्ड सी पीएच 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 ओ एम ई और ये पीएच, ये तुम्हारा क्या बन गया प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल है। अब ध्यान दे दो माइग्रेटरी एपिच्यूड पर क्या होता है, स्पेलिंग गलत, माइग्रेट ऑर्डर कैसे माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो एक ट्रिक है एच पी एच आर, एच पी एच आर ट्रिक क्या है, याद रखने का ट्रिक, हमारा प्यारा राजस्थान, हमारा प्यारा राज अस्थान, हमारा प्यारा राज अस्थान। अब देखो हाइड्रोजन इसमें भी आइसोटोप्स दे देगा, एक हाइड्रोजन दे देगा, एक ड्यूटेरियम दे देगा, एक ट्राइटिनियम दे देगा, ठीक है ये दे देगा। अब बोल दो माइग्रेट कौन करेगा,
ये तीनों में कौन सा माइग्रेट करेगा? देखो माइग्रेट का मतलब क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड टूट के यहाँ पर जाके जुड़ जाना। तो बॉन्ड कब टूटेगा? जैसे मान लिया जाए कि तुम्हारे पास एक 10 सेंटीमीटर का छड़ है और एक 5 सेंटीमीटर का छड़ है, तो किस छड़ को तोड़ना आसान होगा? जिसका लेंथ ज्यादा होगा। तो जिस बॉन्ड का यहाँ पर लेंथ ज्यादा होगा उसको तोड़ना आसान होगा, जिस बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा, ये मान लिया कि ये छोटा, इसको तोड़ना शुरू किए तो ये तो तोड़ देंगे। अगर बोलेगा इसको तोड़ो तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि इसको बहुत देरी में टूटेगा। बड़ा बॉन्ड पहले टूट जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटेनियम, जिसका इसमें हाइड्रोजन किसका किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है? बॉन्ड यहां लिख रहे हैं, ठीक है, सी एच थ्री, एच का बॉन्ड इतना होता है सी एच थ्री, ड्यूटेरियम का ये होता है सी एच थ्री, ट्राइटेनियम का ये होता है। तो कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा? ये बॉन्ड पहले टूट जाएगा ना। ऑर्डर क्या होगा माइग्रेट का? ये हो जाएगा क्या हो जाएगा एच डी टी, एच डी टी हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है, नोट कर लो। चलो नोट हो गया। चलो पीएच के मतलब आते हैं, पीएच क्या मिटाएं इसको। चलो देखो पीएच का ऑर्डर क्या हो गया। पीएच का मतलब सुन सोचा ना, बेन फिनाइल ग्रुप या बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो ओएमई लगा दें, यहां यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां पर सिर्फ फिनाइल और यहां पर विड्रोइंग ग्रुप। अब बोलेगा ये तीनों में ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर आएगा क्या आता है बोलो, ये ठीक है, नोट कर। आर क्या हो जाएगा, चल हो गया मिटा देते हैं। ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट खत्म हुआ, ठीक है। अब बात कर, एक और पूछता है क्या, क्वेश्चन पूछ देगा रेट ऑफ रेट के बारे में पूछ देगा। सी एच थ्री सी सी एच थ्री ओ एच सी एच थ्री ओ एच पी एच ए में ये दे देगा और बी में पी एच सी पी एच ओ एच पी एच एनओ टू ओ एच ओ एच पीएच। अब बोला कि ये दोनों में एच प्लस डालें, दोनों में क्या डालें एच प्लस, इसका रेट कोएफिशिएंट के वन है, इसका रेट के टू है, ठीक है। तो बताओ रिलेशन बिटवीन के वन है के टू, क्या है रिलेशन में, के टू बड़ा है के वन से या के टू बड़ा है के टू छोटा के वन से, क्या दोनों बराबर है या नन ऑफ दीज है, कोई रिलेशन नहीं, बोलो आंसर क्या आएगा, क्या देगा आंसर बच्चों, देखेंगे एच प्लस को अटैक करा के। फर्स्ट स्टेप को देखना,
फर्स्ट स्टेप में जहां पर कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बनेगा उसका रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। देख लो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ, अगर इसको हटाते तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नहीं, ये पॉजिटिव, हाँ यहीं पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और इसमें कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। देखो एक रेजोनेंस मिला और एक थ्री अल्फा एच का यहाँ पर कंजुगेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखो डबल रेजोनेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डबल रेजोनेंस। तो क्या हो जाएगा इसका, इस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट बना सकते हैं ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेट। ठीक है, क्या यहां से क्या हो जाएगा, K2 इज ग्रेटर देन K1। क्या हो जाएगा? K2 इज ग्रेटर देन K1। नोट करो, चलो नोट हो गया, थोड़ा सा आज कुछ, चलो नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसको अगले में देखेंगे क्या होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसमें देखेंगे रेट क्या होता है, रेट किस पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसी में एक सोल्वोलाइसिस करके रिएक्शन आता है, उसको देखेंगे, ये नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।